अस्सलाम वालेकुम वेबर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ के पसंदे, जिसके अज्जा हैं। बीफ के पसंदे लिए हैं हमने 1 किलो, पतले पतले इसके पीस कटवा लिए हमने। 4 चम्मच हमने इसमें चने लिए हैं, 20 हमने बादाम लिए हैं, 2 चम्मच हमने खोपरे का लिया है और 2 चम्मच तिल के लिए हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून हमने इसमें पिसा हुआ धनिया लिया है। 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून हल्दी लिया है और 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 250 ग्राम हमने इसमें दही लिए है, हसबे जायका नमक, और 1 चम्मच हमने इसमें खसखस के लिए 3 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, जिसको स्लाइस में काट लिया है। अब चने, बादाम, खसखस, तेल, अब हम ये सारे मसाले जो हैं ग्राइंडर में पीस लेंगे बारीक। हमने ये जो पीस लिए हैं गोश्त के इस पार्चे, इसमें अब हम फोक से जो है निशान लगा देंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए हमारा। इसी तरह से सब पे कर लें। अब हम ने जो सारा मसाला पीसा है वो इसमें डाल देंगे गोश्त के ऊपर। अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका और 1 टीस्पून इसमें साबा धनिया, और दही को अच्छी तरह से फेंट कर इसमें मिला लेंगे और इन सब को मसालों को दही को अच्छी तरह से पीसों पे लगा देंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। एक घंटे के बाद ये बीफ के पसंदे मैरिनेट हो गए हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल का डालेंगे और 3 प्याज जो काट के रखी थी हमने उसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमने जो मैरिनेट किया हुआ मसाला रखा था वो उसमें डाल देंगे सारा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक गिलास पानी डालकर 20 से 25 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर में रख देंगे पकने के लिए। हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक पे फॉलो करें, लिंक जो है कमेंट्स बॉक्स में है। 25 मिनट के बाद ये गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है। अब हम इसको खूब भूनेंगे। इतना भूनेंगे ये रोगन सारा ऊपर आ जाए। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1/2 कप पानी डालेंगे और इसको पकाएंगे। 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि पानी और मसाला अच्छी तरह से पक जाए। अब ये पसंदे हमारे तैयार हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे।